पैसे लगने हैं तो उसके हिसाब से फिर डेफिनेटली लोगों के ऑब्जेक्शन भी आते हैं। और इंश्योरेंस समझना कोई आसान काम नहीं, इंश्योरेंस समझाने के लिए देखो आपकी जरूरत पड़ती है कि आप लोगों को समझाएं। लास्ट एलआईसी का टोटल इनकम, टोटल जो कलेक्शन था 6,93,000 करोड़ था। यदि आप इसको 365 दिन से भाग देंगे तो तकरीबन मेरे ख्याल से 1600 करोड़ 1700 करोड़ रुपए पर डे का बनता है। एलआईसी के पास सेल तो हो रहा है, लेकिन सवाल क्या है कि हमारे थ्रू सेल होना चाहिए। तो प्लान्स के बारे में आपको सभी को जानकारी है, बढ़िया जानकारी है, आनंदा के बारे में भी, प्लान्स के बारे में भी। लेकिन हाँ, जो एक बड़ी समस्या जो है वो अप्रोच की है कि हम रेगुलर बेसिस पे लोगों को मिलें, लोगों को रेगुलर बेसिस पर बात करें। तो लोगों को यदि हम रेगुलर बेसिस पर बात करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। आप इसके बारे में, आपके क्या विचार हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? विश्व कुमार, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? यस yes, मिलने या से तो सर और कोई हंड्रेड प्रश्न? परसेंट हेलो हाँ बताइए। यस सर, अगर हम मिलते हैं तो पॉलिसी 100% सेल होती है। जी और लेकिन लास्ट 1 ईयर के मैंने जी अपना एक्सपीरियंस पर्सनल जो है, अगर हम पॉलिसी की जी बात स्टार्ट करते हैं किसी से तो लोग थोड़ा सा डिस्टेंस जी बनाने लगते हैं। तो बेटर है कि फर्स्ट नीड डेफिनेटली। जनरेट करें, उसकी जरूरत क्या है हाँ और उसके बारे में हम केवल हाँ बात करें। पॉलिसी और सामने वाला बोले इसका हाँ सोल्यूशन बताओ अपन, हम डायरेक्ट ना जी बोले कि 50 रुपया 20 रुपया 30 रुपया जमा करो। हम ये बोल सकते हैं हाँ कि आप अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ अपने पैसा जमा किया है, नहीं किया है, और कर रहे हैं तो हाँ क्या प्लानिंग है, क्या पैसे है, दैट्स इट। वो उसके बाद फिर अपने, अगर मेरे से फिर आगे अगर वो क्वेश्चन करता है कि अच्छा क्या बेटर प्लान है मार्केट में मेरे को बताओ, कुछ भी पूछता है, जी तो हमें बेटर है क्या स्टार्ट एलआईसी से ना करके अलग अलग दूसरे प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। और उसके बाद बोल सकते हैं एलआईसी में ये प्रोडक्ट है, इधर ये प्रोडक्ट है, तीनों का ये रिटर्न है, और फिर कस्टमर के पास छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, वो नेचुरली है कि अगर हमें अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो बाकी दो प्रोडक्ट जो हो तो एटलीस्ट वो बिको। हमें इस पॉइंट को टेक्निकली, लेकिन कस्टमर को ये ना लगे कि हम अपने प्रोडक्ट केवल सेल करने के लिए उसके पास आए थे। हमारे पास एटलीस्ट उस कंपटीशन जो भी है, हमारा क्रेडिट हो, आईसीआईसीआई हो, पोस्ट ऑफिस हो, जो भी हो, उसका नॉलेज हो थोड़ा बहुत, तो उसको भी गाइड कर देना चाहिए, जिससे कस्टमर को लगेगा ना कि नहीं एक केवल एलआईसी के लिए हमें नहीं अप्रोच किया है, हमारे पास तीनों विंडो मिलेगा। लेकिन बड़ा पॉलिसी ना स्टार्ट करके नीड जनरेट करें, और नीड उस कस्टमर से रिक्वेस्ट आने दें कि पॉलिसी के बारे में डायरेक्ट ना 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये, ठीक नहीं, बात है। मतलब एब्सोल्युटली कि बच्चे बच्चे हैं तो बच्चे के लिए, अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए क्या किया है। गुड, पीपीएफ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पीपीएफ बहुत अच्छा है। लेकिन सर कितना अमाउंट हो गया, 43 लाख रुपए हो गया होगा, जो कि सच्चाई नहीं होता है। तो बोलो अरे कहाँ, 5,000 रुपया डालता हूँ साल में, 10,000 क्यों क्यों सर, अरे उसमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है ना। अच्छा, दैट्स रीजन सर आपने डिसिप्लिन नहीं है उसमें, क्योंकि तो उसमें आपके पास पीपीएफ पे आपको फोर्स नहीं कर रहा कि 5,000 महीने 10,000 महीने दे दे। अगर सर ऐसा होता पीपीएफ में कि हर महीने 10,000 रुपया डालना होता तो डाल देते, बोले हाँ डाल देता है। अब डालना पड़ता है जब खुलवाया अकाउंट, तो फिर हम उसे बोलते कि बेटा दूसरा ऑप्शन आप ले जिसमें कि हर महीने डालने का हो, तो अगर मार्केट में अवेलेबल है तो क्या आप डाल सकते हैं। तो चलिए वो पूछता है फिर आगे से क्या है, आगे फिर अपने प्लान शुरू करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी शायद हर किसी का अपना एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। मेरा पर्सनल है कि मैं एटलीस्ट अभी अब पॉलिसी समझाना शुरू नहीं करते, स्टार्ट उसी से बोलते, उसी पे छोड़ते हैं। ठीक है, आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये सब बातें होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हमें क्लाइंट के टाइम का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट के पास ना ज्यादा समय नहीं है, हमें क्विक एंड फास्ट, जिसको हम एलिवेटर पिच बोलते हैं, क्विक एंड फास्ट, फटाफट उसको समझाना है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, तो वो ज्यादा सुनने वाला नहीं है, तो इस वजह से हमें कभी कभी जल्दी समझाने की जरूरत है। आपकी बात ठीक है, हम ज्यादा उसको ये सब बातें करेंगे नहीं, आप 100 रुपये पर डे का प्लान आप ले लीजिए, 22 लाख आपको मिलेंगे, या है ना, ये सब बातें कभी कभी किसी किसी को पुट ऑफ भी हो सकती हैं, उसको ये भी लग सकता है कि यार ये क्या है, ये ऐसा नहीं। आपकी बात ठीक है, उसके बारे में बातचीत करके, हाँ जी बच्चों का कौन सा लिया, पेंशन का कौन सा लिया, टैक्सेशन का कौन सा लिया, तो ये थोड़ा सा ना क्लाइंट टू क्लाइंट भी डिफर करता है। यस यस सर, लेकिन वहां आप पे सर हम मिस्टेक कभी क्या खा जाते हैं, वहां पे कभी हमारी मिस्टेक क्या होती है। एग्जांपल में हम 100 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन हमारा जीवन लाभ का है,
100 रुपया पढ़ लो 10 लाख रुपए देंगे, राइट सर? हम जाते हैं कस्टमर के पास, शुरू हो जाते हैं 100 रुपया तो 10 लाख रुपए, मालूम चले कस्टमर के लिए 10 लाख रुपए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई वैल्यू ही नहीं करता। अब जिसमें एग्जाम्पल में कल मैं जा गया तो कस्टमर से मैंने मिला, सब बात किया, उस मैंने पॉलिसी में उनके कुछ भाई का सरेंडर का था, मैंने जो मैंने बताया था सर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो हमारा रीजनल हेड थे उनके ब्रदर के पास, तो उन्होंने मैंने सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर लिया, लेकिन मैंने उनको इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात ना किया। सब करने के बाद मैंने बता अपनी पॉलिसी जो सरेंडर कर रहे थे उसकी सारी जो पॉजिटिव चीजें मैंने उनको बता दिया कि सर ये है, करना नहीं चाहिए था, इसमें आपको 1 करोड़ मिलते, ऐसे वैसे इतने का इंश्योरेंस था, प्रीमियम बहुत जैसे जैसे ईयर मिलते, पूरा बता दिया। बहुत वो मेरे से मतलब थोड़ा सा उनको अच्छा लगा सुनने के बाद, लेकिन फिर भी वो चाह रहे थे कि मैं फिर उनके पूछूंगा आपके पॉलिसी, लेकिन एक मैंने ना पूछा, मैंने छोड़ दिया, बस खाली अपनी पॉलिसी के मतलब जो था जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उसकी जो खूबियां उनको गिनाता रहा। उसका थोड़ा देर के बाद फिर वो बोले यार मेरे पास भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। मैंने नहीं, तो फिर उन्होंने बोला तो मैंने सर आपका एज क्या, और 45, तो सर आप तो सबसे पहले सर अपने क्या प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं? मैंने फिर क्वेश्चन अगला पूछा उनसे कि आप मतलब आपका पर्पस क्या इंश्योरेंस लेने का, तो ही सेड कि यार हमारा तो चाइल्ड के लिए ऐसा इशू है नहीं, ऑलरेडी सारे मतलब 12th मतलब ऑलरेडी ग्रेजुएट में है, 45 इयर्स मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मेरे को पेंशन के लिए कुछ प्लानिंग चाहिए। तो मैंने ऐसे बोला कि सर क्या क्या पेंशन आपको चाहिए, तो ही सेड कि 1 लाख रुपए महीने का। मैं समझाने रहा था 1 लाख रुपए साल वाला, क्योंकि हम ओपन करते हैं 1 लाख रुपए साल के, तो 15 साल तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब गलती से मैं मुंह से 1 लाख रुपए बोल देता तो फिर क्या होता है कि हम उसको फिर अंडरस्टेमिंग कर लेते कस्टमर को। अब उससे अगर उनसे पूछा कि सर आपके क्या एक्सपेक्टेशन, क्या आप चाहते हैं, क्या पेंशन चाहिए 15 साल के बाद, तो ही सेड कि 1 लाख रुपए तो महीने कम से कम होने चाहिए। उसके बाद मैंने बोला सर उसके लिए 2 ऑप्शन है, आपको 50-60 हजार रुपए मतलब 1 लाख रुपए है हमारे पास पर मंथ आपको जमा करने, 15 ईयर्स जमा करने, जो प्लान था वो मंग मैंने समझाया, और ही सेड और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जो वन शॉट आपको हम पूरे अमाउंट दे देंगे, डिसाइड पेंशन कैसे आपको यूज करना है। तो ही सेड कि नहीं फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर, एटलीस्ट ग्रांटेड एवरी मंथ हमें आता ही रहेगा, चलो अमाउंट जो भी हो हाँ तो ही आज या कल बताएंगे वो। चलो बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया आपका इसका सेल रहे, बढ़िया रहे, और आप रेगुलरली सेल कर पाए, और हर एक क्लाइंट का थोड़ा बहुत डेफिनेटली हमें समझने की जरूरत होती है। राइट राइट, वो तो 100% सही है, बहुत बिजी होते हैं तो बात भी नहीं करते। हाँ तो अभी ऐसे में ना कभी कभी हमें एलिवेटर पिच इस्तेमाल करना पड़ता है, 1 सेंटेंस में पूरा प्लान खत्म, 2 सेंटेंस में पूरा प्लान खत्म, आधे मिनट में हमारा पूरा प्लान खत्म। अब जब कस्टमर हमको टाइम देने को तैयार नहीं है तो कभी कभी ऐसा करना जरूरी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेस्ट अप्रोच है, लेकिन अब वो सुनने को तैयार नहीं है, या तो उसे हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं है, और हमें 1 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है कि उसको इंटरेस्टिंग लगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है कि उसको बढ़िया लगे। तो ऐसा करने के लिए फिर हमें अलग अलग, देखिए अलग अलग कस्टमर के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। सो ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर आए, बहुत शानदार लगा, विश यू ऑल द बेस्ट, आपका आज का दिन शानदार हो। लोगों से मिले बिना, बातचीत किए बिना हमारा सेल नहीं होता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें कि आज सैटरडे के दिन अपना नंबर ऑफ मीटिंग्स बढ़ाएं। फिजिकल मीटिंग पर्सनली मिलके तो सेल होता ही है, वो तो बढ़िया बात है, लेकिन हाँ ऑनलाइन भी बातचीत किया जा सकता है, ऑनलाइन भी लोगों को वीडियो कॉल में भी इंश्योरेंस समझाया जा सकता है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल में, टेलीग्राम वीडियो कॉल में, जूम का वीडियो कॉल में, अलग अलग तरह का वीडियो कॉल है, आपको सबको पता ही है। और लेकिन हाँ फिजिकल मीटिंग का तो कोई जवाब नहीं है, आमने सामने मिलकर आप समय थोड़ा सा निकाल के लोगों को इंश्योरेंस के बारे में समझाएं, तभी आपका सेल होएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे, मंडे दफ्तर में जरूर आए, लकी ड्रॉ है, भाग्य उदय दिवस वहां पर मनाया जाएगा, और थोड़े दिनों के अंदर बहुत धमाचौकड़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि IPO आ रहा है, और 75,000 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पता नहीं कितने गुना ओवर सब्सक्राइब होएगा, कहीं ऐसा ना हो कि 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि LIC का 42 करोड़ पॉलिसीज हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट सैटरडे, बाय बाय, सी यू, हैप्पी सैटरडे।